को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होने वाले हैं तो माइट भी वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है लेकिन पूरी वीडियो देखना अनिवार्य है ठीक है तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन होता क्या है दो इसे मैं डिटेल्ड वे में प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूं नहीं देखी है तो आई बटन में प्लेस कर दूंगी जाके देख लीजिएगा बट यहां मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा देती हूं देखिए ये बोलते हैं कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का प्रमोटर पूरा का पूरा पैसा अपने घर से लेके आए क्योंकि माइंड भी हो सकता है प्रमोटर के पास आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे हैं लेकिन जेब में पैसा नहीं है तो ऐसे में कंपनी की पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लेते हैं एक डिसीजन जिसे हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन इसमें बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज देखते हैं कहाँ कहां से पैसा आ सकता है और फिर उसके बाद हर एक सोर्स को कंपेयर करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि किस सोर्स से हमें पैसा फाइनली उठाना है तो बेसिकली कंपनी पैसा कहां से लाती है अपनी डे टू डे फंक्शनिंग के लिए एज वेल एज अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए उसके बारे में जो निर्णय लिया जाता है वो फाइनेंसिंग डिसीजन में लिया जाता है अब अगर बात करें कि मेन सोर्सेस होते कौन कौन से हैं जहां से कंपनी पैसा ला सकती है तो उसमें पहला सोर्स है शेयर होल्डर्स फंड दूसरा है बोरोड फंड अब इनका मतलब एक एक लाइन में समझें तो बोरोड फंड का मतलब होता है उधारी पे लिया हुआ पैसा मतलब ऐसा पैसा जो किसी से आपने उधार लिया है और एक पर्टिकुलर डेट पे आपको उसे वापस करना पड़ेगा और वही शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं बदले में उसने पैसा लिया है लोगों से और शेयर्स उनको बांट दिए जिससे लोग बन गए उस कंपनी के शेयर होल्डर्स मालिक ऑनर्स ठीक है और ज्यादा डिटेल्ड वे में अगर ये दोनों टॉपिक्स को आपको समझना है तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो प्लेस्ड है हमारे चैनल पे आप आई बटन में जाके उसे देख सकते हैं माइंडेड गाइस कॉमर्स स्टूडेंट्स को शेयर होल्डर्स कौन होते हैं शेयर्स की क्या कॉन्सेप्ट होती है ये सब पता होना चाहिए इवन बोरोड फंड्स में डिबेंचर्स और ये लोन्स पब्लिक डिपॉजिट्स ये सब क्या होता है वो भी सब पता होना चाहिए तो ये सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं जाके देख लेना अच्छी तरह से क्योंकि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता है ठीक है चलो यहां बॉर्डर फंड की कॉन्सेप्ट लिखी हुई है चाहे तो आप स्क्रीन ले सकते हैं बाद में रीड कर लीजिएगा और यहां लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स फंड के बारे में अगेन आप चाहे तो स्क्रीन ले सकते हैं चलिए फाइनली मूव करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन यहां आप जितने भी बॉक्सेस देख पा रहे हैं इनमें जो जो लिखा हुआ है वो सारी चीजें एक इंसान को अफेक्ट करती हैं जब वो फाइनेंसिंग डिसीजन ले रहा होता है मतलब ये सारी चीजों के बारे में वो इंसान जरूर सोचता है ये डिसीजन लेने से पहले इसमें क्या क्या आता है फर्स्ट है कॉस्ट दूसरा है रिस्क फिर है फ्लोटेशन कॉस्ट फिर है कैश फ्लो पोजिशन ऑफ द कंपनी फिर है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कंट्रोल कंसिडरेशन एंड स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट अब ये सब बोलते क्या हैं एक एक करके समझ लेते हैं सुनो इन सारे पॉइंट्स को ना अच्छे से समझना जो भी एग्जाम्पल दूंगी उसको दिमाग में बिठा लेना या बुक्स में स्क्रिबल कर लेना क्योंकि जब इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो एक्सप्लेनेशन में सारी चीजें इस्तेमाल होंगी आपके पास बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट होना चाहिए पेपर में लिखने के लिए अगर पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा मार्क्स का आ जाता है इस टॉपिक से तो ठीक है चलो फर्स्ट है हमारा कॉस्ट ये क्या बोलता है इमेजिन करो ये एक इंसान है जिसे अपनी कंपनी के लिए पैसे की आवश्यकता है ठीक है अब ये सोच रहा है कि मैं बोरोड फंड्स के टूवर्स जाऊं या फिर शेयर होल्डर्स फंड के टूवर्स जाऊं तो ये कैसे डिसाइड करेगा कि कौन से वाले फंड इसके लिए ज्यादा प्रेफरेबल रहेंगे जब ये बोरोड फंड्स के टूवर्स गया इसने ये देखा कि अगर मैं लोन लेता हूं बैंक से तो बैंक ऑब्वियसली फ्री फंड में तो मुझे लोन देगी नहीं वो मुझसे क्या लेगी वो मुझसे इंटरेस्ट लेगी वो मुझे बोलेगी कि हर महीने मेरे खाते में इतना इतना इंटरेस्ट आ जाना चाहिए फॉर से मैं सौ रुपए का लोन लेता हूं तो हर महीने मुझे उन्हें दस दस रुपए इंटरेस्ट के पे करने पड़ेंगे और एक सर्टेन टाइम के बाद ये सौ रुपए भी वापस करने पड़ेंगे तो ये जो इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन आ रही है ना हर महीने या हर क्वार्टर में आपके सर पे इसे हम बोलते हैं कॉस्ट जो कि एसोसिएटेड है इस पर्टिकुलर सोर्स से कॉस्ट है जो कि आपको बेयर करनी पड़ती है अगर आप पैसे इस पर्टिकुलर सोर्स से उठा रहे हैं तो वहीं अगर ये इंसान शेयर होल्डर्स जाता है तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स भी पैसे देने के बाद ऐसा नहीं है कि आपसे लाइफ टाइम कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वो भी चाहेंगे ना कि हमें कुछ ना कुछ कमाने का मौका मिले तो उनकी कमाई किस फॉर्म में होती है उनकी कमाई डिविडेंड के फॉर्म में होती है डिविडेंड होता क्या है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं तो डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे शेयर होल्डर्स जो कि शेयर होल्डर्स की तो कमाई होगी लेकिन कंपनी के लिए ये होगी एक कॉस्ट जो कि कंपनी को बेर करनी पड़ेगी तो आप बोरोड फंड उठाओ या शेयर होल्डर्स फंड्स उठाओ दोनों पे ही कुछ ना कुछ कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी तो यहां पे जब आप डिसीजन ले रहे होंगे कि ये वाले फंड्स उठाने चाहिए या ये वाले फंड्स उठाने चाहिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉस्ट ज्यादा किसकी है कम किसकी है ऑब्वियसली जिसकी कॉस्ट कम होगी कंपनी वो वाली चीज प्रेफर करेगी क्योंकि कंपनी की जेब से कम पैसे जा रहे होंगे और उसका वाइस वर्सा अगर ज्यादा होगी कॉस्ट तो कंपनी प्रेफर नहीं करेगी क्योंकि कंपनी की जेब से ज्यादा पैसे जा रहे होंगे तो ये होती है कॉस्ट जिसका ध्यान रखना पड़ता है किसी भी कंपनी को पैसे इकट्ठा करने से पहले या कहीं से पैसे उठाने से पहले ये बोलते हैं द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट अ प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजर वुड नॉर्मली ऑप फॉर अ सोर्स विच इज चीपेस्ट एक प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजर जो होगा वो हमेशा कोशिश करेगा उस सोर्स से फंड्स उठाने की जो कि चीपेस्ट होगा ठीक है तो जितनी कम कॉस्ट होगी उतना प्रेफरेबल आपका ऑप्शन होगा सोर्स होगा सेकेंड पॉइंट है हमारा रिस्क ये बोलते हैं सारे सोर्सेस से ना कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड होता है तो आपको ये भी एनालाइज करना पड़ता है कि किस सोर्स का रिस्क कितना है और जिसका रिस्क सबसे कम होगा वो वाला सोर्स आप पसंद करेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं बोरोड फंड्स के टूब आती हूँ मैंने लिया बैंक से एक लोन ये क्या है उधारी वाला पैसा है एक ना एक दिन इस पैसे को मुझे चुकाना है ना सिर्फ इस पैसे को वापस चुकाना है बल्कि इसका इंटरेस्ट भी पे करना है हर महीने मान लीजिए मेरी कंपनी नहीं चल पा रही है मैं हर महीने जो इंटरेस्ट पे होता है वो नहीं पे कर पा रही हूं और बोरड फंड का जो टाइम ड्यूरेशन था वापस करने का उस तारीख तक मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी जमा नहीं हो पाया है तो मैं वो उधारी का पैसा वापस नहीं लौटा पा रही हूं बैंक को तो ऐसे सिनेरियो में मेरे साथ क्या होगा बड़े मजे से बैंक मेरी कंपनी के जो असेट्स होंगे ना उसे बेच डालेगा उसे कहीं पे उड़ा देगा और जो पैसे मिलेंगे अपनी लोन की भुगतान कर लेगा तो ये सब तामझाम मेरे लिए क्या है एक रिस्क है कि व्हाट इफ मैं इनका पेमेंट नहीं दे पाई व्हाट इफ मैं बोरोड फंड्स वापस नहीं लौटा पाई ये तो मेरी कंपनी के के खेल लगा देंगे तो मेरी कंपनी के बिकवा देंगे तो ऐसा रिस्क क्या आप बेयर कर सकते हो कितने अमाउंट में बेयर कर सकते हो ये सब भी आपको पहले देखना पड़ता है तभी आप फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हो जितना ज्यादा रिस्क की कोई भी सोर्स होगा उतना ही कम प्रेफरेबल वो सोर्स होगा फाइनेंसिंग डिसीजन के अकॉर्डिंग थर्ड पॉइंट है हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट ये क्या होता है इसका अगर एक सिंपल लाइन में मतलब बताऊं मैं आपको तो ये वो पैसा है जो कंपनी स्पेंड कर रही है पैसा रेस करने के लिए मैम इसका क्या लॉजिक हुआ मतलब जेबें हमारी खाली हैं हम उन जेबों को भरना चाह रहे हैं लेकिन आप बोल रहे हो कि उससे पहले हमें जेबें और खाली करनी पड़ेंगी ये कैसे पॉसिबल है तो बेटा देखो यही मतलब है फ्लोटेशन कॉस्ट का तो और ऐसा आपको करना भी पड़ता है फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसे पैसे की आवश्यकता है और वो डिसाइड कर रही है कि मैं इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसे रेस करूँगी तो इस कंपनी को क्या करना है पैसा रेज करना है जिसके लिए इक्विटी शेयर्स इशू करने वाली है इक्विटी शेयर्स इशू करेगी बहुत सारे लोग इस इक्विटी शेयर्स को खरीदेंगे बदले में कंपनी को पैसे देंगे और अल्टीमेटली कंपनी का पैसा रेज हो जाएगा लेकिन कंपनी के बोलने से क्या ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है ऑब्वियसली नहीं कंपनी को पहले बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग रखनी पड़ती है बहुत सारे फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं आर के पास बहुत सारे पोर्टफोलियोस प्रोफाइल्स पैम्पलेट एडवर्टीजमेंट इधर न्यूज उधर न्यूज पता नहीं क्या क्या करवाना पड़ता है और ये सारा काम फ्री में नहीं होता है इन सारे कामों के कंपनी को पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं भाई कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रही है लोगों को तो बताएगी ना कैसे बताएगी टीवी में एड दे के बताएगी या फिर न्यूज़पेपर में एड दे के बताएगी अब न्यूज़पेपर वाले या टीवी वाले ऐसे ही उसकी एड पब्लिश कर देंगे ऑब्वियसली नहीं ना पैसे लेंगे कभी देखा कोई न्यूज़पेपर वाला फालतू में तुम्हारी ऐड पब्लिश कर रहा हो बिना तुमसे पैसे लिए हुए ऐसा कभी नहीं होता तुम्हें हमेशा पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं तो यहाँ पे जो पैसे तुम स्पेंड कर रहे हो ये पूरी प्रोसेस में जो कि इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए इस्तेमाल होगी या फिर बीच में आएगी उसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट तो तुमने पैसा स्पेंड किया ना पैसा रेस करने के लिए बना ना लॉजिक बना ना तो किस बात का तो फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है किस सोर्स का उस पर भी डिपेंड करता है हम उस सोर्स को चूज करते हैं कि नहीं करते हैं ऑब्वियसली जितना हायर फ्लोटेशन कॉस्ट होगा उतना ही लेस अट्रैक्टिव वो सोर्स होगा हमारे लिए मतलब उतना ही हम कोशिश करेंगे उस सोर्स से पैसे ना रेस करें हम क्योंकि इतने सारे हमारे खर्च हो रहे हैं रेज करने के लिए तो क्या लॉजिक बनता है राइट नेक्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो पोजिशन ऑफ द कंपनी कंपनी की कैश फ्लो पोजिशन क्या है कितनी है कैसे है उस पर भी डिपेंड करेगा हम कौन से वाला सोर्स चुन रहे हैं कैसे आइए समझते हैं देखो एक कंपनी को पैसे की आवश्यकता थी इसने बोला यार इक्विटी के चक्कर में नहीं पड़ना बहुत ताम झाम हो जाएगा बहुत लंबा प्रोसेस है बेटर हम तो क्या करते हैं लोन ले लेते हैं बैंक के पास जाना रहेगा इसके लिए बस उनसे रिक्वेस्ट करनी है थोड़े से पेपर देंगे कोलैटरल रखवा देंगे और हमारा लोन अप्रूव हो जाएगा तो इन्होंने बढ़िया तरीके से बैंक से लोन ले लिया पर यह लोन लेते समय ये कंपनी भूल गई कि इसे तो कैश फ्लो की दिक्कत चलती है इसके पास तो हार्ड कैश कभी रहता ही नहीं है ये तो हमेशा कैश के लिए वेट करती है कब वेंडर्स देंगे इतना लेट पेमेंट मिलता है दस चक्कर लगवाते हैं ये करते हैं वो करते हैं तो कैश लो तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इनके लिए बट लोन तो ले लिया इन्होंने अब लोन लिया है तो लोन की रिपेमेंट तो बहुत टाइम बाद आएगी लेकिन इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन तो मंथली बेसिस पे आएगी या क्वार्टरली बेसिस पे आएगी वो तो आपको बैंक को सबमिट करना ही पड़ेगा मानते हैं कि नहीं मानते हैं भाई तुम्हारे घर में कैश की दिक्कत है लेकिन तुमने बैंक से लोन ले लिया है तो अब बैंक वाले अपना इंटरेस्ट तो मांगेंगे ना हर महीने तुमसे तुम उन्हें तो जाके ये नहीं बोल सकते ना कि यार हमारे यहाँ पे कैश की थोड़ी दिक्कत है मेरा असेट है तुम उसे देख लो ऑब्वियसली नहीं तुम्हें उन्हें इंटरेस्ट कैश के रूप में देना ही पड़ेगा तो अब टाइट कैश फ्लो के चलते हुए तुम इंटरेस्ट की है कि कैसा रिस्क तुम्हारे ऊपर है तुम्हारे असिट्स बिक सकते हैं और एक बार डिफॉल्टर का वैसे भी ठप्पा लग जाता है तो उसके बाद अगली बार बैंक लोन लेने में भी बड़ी ज्यादा तकलीफ मिलती है तो हमेशा कंपनी को यह याद रखना चाहिए कि कभी भी वो बैंक लोन ले रहे हैं या फिर कोई भी बोरोड फंड से पैसा उठा रहे हैं तो उसके साथ एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है जो आपको पूरी करनी है और वो यूजुअली आपको कैश में ही पूरी करनी पड़ती है तो तभी ये सारे ज़रिए के थ्रू पैसा उठाइए जब आपका कैश फ्लो का स्थिति बहुत अच्छा हो अगर नहीं है अगर आपके यहाँ पे कैश की दिक्कत रहती है कैश की किल्लत रहती है तो ऐसे सोर्स के टूवच मत जाइए इट्स इज अ अस्ट्रगर कैश फ्लो पोजिशन में मेक डेट फाइनेंसिंग मोर वायबल देन फंडिंग थ्रू इक्विटी एक कंपनी जिनका कैश फ्लो पोजिशन बहुत अच्छा है वो डेट के टूवच जा सकते हैं वो उधारी वाले पैसे की टूवच जा सकते हैं लेकिन एक ऐसी कंपनी जिनका कैश फ्लो पोजिशन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है उनको फिर इक्विटी के टूवच जाना चाहिए क्योंकि डिविडेंड पे करना नहीं करना तो कंपनी के हाथ में ही होता है ना इंटरेस्ट तो एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है जो आपको पे करनी ही पड़ेगी चाहे आप चाहें चाहें। या नहीं नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग ये बोलते हैं कि हर कंपनी में ना दो तरह की कॉस्ट होती है एक होती है फिक्स नेचर की और एक होती है वेरिएबल नेचर की वैसे तो सेमी वेरिएबल भी होती है लेकिन लेट्स डिस्कस अभी ये दोनों ठीक है अब ये दोनों कॉस्ट के बारे में अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है ना तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है चैनल पे आई बटन में जाके देख लीजिएगा फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कंपनी को बेर करनी ही पड़ती है नो मैटर वो कुछ प्रोडक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है नो मैटर वहां पे ऑपरेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है नो मैटर वहां कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कॉस्ट तो आएगी ही आएगी जैसे कि बिल्डिंग का रेंट अगर आपने रेंट पे बिल्डिंग ली हुई है अपने ऑफिस वाली अपनी कंपनी वाली आप चाहे अंदर बैठ के काम करें या नहीं करें क्योंकि आपने रेंट पे ली हुई है तो आपको हर महीने रेंट तो पे करना ही पड़ेगा वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है जिसके लिए आप मना नहीं कर सकते आप अपने लैंड को ये नहीं बोल सकते कि सर इस महीने तो मैंने काम ही नहीं किया तो मैंने बिल्डिंग तो इस्तेमाल की नहीं आपकी इसलिए मैं आपको ये पर्टिकुलर पैसा नहीं दे रहा हूं ये रेंट नहीं दे रहा हूं वो सामने से आपको तमाचा लगाएगा जोर से बोलेगा क्या बकवास कर रहे हो तुम तुमने रेंट पे लिया हुआ है ना तुम यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो दैट्स नॉट माय कंसर्न मुझे तो रेंट चाहिए ही चाहिए तो ऐसा कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जाना जाता है अब हर कंपनी ये कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं ठीक है थेके? अब मान लीजिए किसी कंपनी के फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी बहुत हाई है मतलब बहुत हाई तो ऐसे सिनेरियो में क्या वो एक एडिशनल ऑब्लिगेशन अपने सर पे ले सकता है आंसर विल बी नो भाई ऑलरेडी सर का बोझ इतना हैवी है और बोझ कैसे संभालोगे वैसे और बोझ आएगा कैसे वो कैसे पता चलेगा ऐसे मानो हम डेट से पैसा रेज कर रहे हैं मतलब बोरोड फंड्स ले रहे हैं लोन लिया इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा तुम्हारे पैसे आ रहे हैं तुम्हारा काम चल रहा है या नहीं चल रहा है पेमेंट तो इंटरेस्ट की होगी ही होगी तो ये भी तो तुम्हारा एक एडिशनल सरदर्द बन गया कि नहीं बना ऑब्वियसली बन गया तो ये बोलते हैं कि, कि किसी भी कंपनी का अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी बहुत हाई है तो उसे ऐसे सोर्स नहीं चुनने चाहिए जो कि एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन के साथ आते हैं जैसे कि डेट डेट उसे नहीं चूज करना चाहिए इनका कहना है इफ अ बिजनेस हैज हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है इट मस्ट रिड्यूस फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अपना फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट कम करें हेंस लोअर डेट फाइनेंसिंग इज बेटर इसलिए ऐसी कंपनी को डेट के टूवर्स नहीं जाना चाहिए उनको डेट का प्रोपोर्शन हमेशा कम रखना चाहिए क्योंकि अगर वो डेट से पैसा रेज करेंगे तो इंटरेस्ट की एक एडिशनल ऑब्लिगेशन उनके सर पे आके बैठ जाएगी नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल कंसिडरेशन अब इसको समझने से पहले थोड़ी सी कॉन्सेप्ट अपनी क्लियर कर लेते हैं मान लीजिए एक कंपनी है जिसने शेयर्स इशू किए हैं शेयर्स जब इसने इशू किए बहुत सारे लोगों ने वो शेयर्स सब्सक्राइब किए और बदले में कंपनी को दे दिए पैसे कंपनी को पैसे देके और अपने हाथ में शेयर्स लेके ये बन गए शेयर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं ये होते हैं कंपनी के ऑनर्स कंपनी के मालिक किसी भी कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में होगा ऑब्वियसली उनके मालिक के हाथ में होगा मानते हैं कि नहीं मानते हैं तो यहां हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि कंपनी को कंट्रोल करने वाले कौन है शेयर होल्डर्स हैं। अब ऐसे मानो कि यही कंपनी आगे चल के और शेयर इशू करते हैं और शेयर होल्डर्स एग्जिस्टेंस में आ जाए तो अब इस कंपनी का कंट्रोल जो पहले सिर्फ तीन शेयर होल्डर्स के हाथ में था वो कितने हाथ में हो गया सात लोगों के हाथ में हो गया क्योंकि नए चार ऐड हो गए तो हर किसी के कंट्रोल का जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा बहुत कम हो गया पहले ये तीन लोग मिलकर कंपनी का हर डिसीजन लेते थे अब ये सात लोग मिलकर कंपनी का डिसीजन लेंगे आ रही है बात समझ में पहले कंपनी ने कुछ शेयर इशू किए जो सिलेक्टेड लोगों ने मतलब तीन लोगों ने खरीदे और बन गए कंपनी के ऑनर्स और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया अब कंपनी ने जब नए शेयर्स इशू किए और चार नए शेयर होल्डर्स एड हो गए तो कंपनी का कंट्रोल पूरे सात हाथों में आ गया अब हो सकता है ये पुराने तीन को इससे दिक्कत हो क्योंकि पहले तो कंपनी अपने इशारों पे चला रहे थे अब इन्हें इन लोगों से भी पूछना पड़ता है और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं जिनको अपना कंट्रोल लूज हो वो पसंद नहीं आता अगर मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनको अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में देना पसंद नहीं आता है वो फिर कंपनी को दोबारा शेयर्स इशू करने नहीं देते हैं वो बोलते हैं कि भैया आप तुम डेट से पैसे इकट्ठा करो हम नहीं चाहते कि इस कंपनी का कोई और भी ऑनर बने हमारे अलावा तो अगर कंपनी नहीं चाहती उनका कंट्रोल डाइल्यूट हो अगर कंपनी की मैनेजमेंट नहीं चाहती है कि उनके हाथ से सत्ता चली जाए तो वो फिर डेट का जो ऑप्शन होता है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं इक्विटी से पैसे रेज करना पसंद नहीं करते हैं ठीक है नेक्स्ट और लास्ट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट की क्या स्थिति है उस पर भी डिपेंड करेगा हम किस सोर्स से फाइनेंस रेज करेंगे देखो स्टॉक मार्केट की ना दो ट्रेंड्स होते हैं एक होता है बुलिश एक होता है बारिश बुलिश का मतलब है जब मार्केट की स्थिति बहुत अच्छी है और लोग भर भर के शेयर्स खरीद रहे हैं इन शॉर्ट बोलूं तो शेयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है वहीं बेरिश ट्रेंड का मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट की स्थिति बहुत बेकार है कोई भी शेयर होल्डर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा मतलब डिमांड बिल्कुल कम है तो इन दोनों फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा कि हम इस पर्टिकुलर सोर्स से पैसे रेज करेंगे कि नहीं करेंगे अगर बुलिश और बैरिज ट्रेंड को आप और ज्यादा डिटेल्ड वे में समझना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगी ठीक है चलो अब बुलिश ट्रेंड है मतलब डिमांड बहुत हाई है अब सिंपल इकोनॉमिक्स का जो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है वो क्या बोलता है कि मार्केट में अगर किसी चीज़ की डिमांड हाई होती है तो किसी भी मैन्युफैक्चरर या किसी भी ट्रेडर के लिए ज़रूरी होता है सप्लाई भी हाई करना सो दैट वो इस बड़ी हुई डिमांड का फायदा उठा सके तो कंपनीज जब देखेंगे कि उनके शेयर्स की डिमांड बहुत हाई है तो वो क्या करेंगी वो कोशिश करेंगी कि भर भर के शेयर्स इशू करें सो दैट ज़्यादातर लोग उसे खरीदें सब्सक्राइब करें और कंपनी के पास एडिशनल पैसे आए वहीं कंपनी अगर देखेगी कि उनके शेयर्स की डिमांड बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में तो वो नए शेयर्स क्यों इशू करेगी बेवकूफ़ है कि फालतू में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं फ्लोटेशन कॉस्ट में नहीं करेंगे तो मार्केट की क्या स्थिति है उस पर बेस्ड होगा कि क्या मार्केट में नए स्टॉक्स लाए जाएँ कि नहीं लाए जाए इट्स इज हेल्थ ऑफ कैपिटल मार्केट में ऑल्सो फेक्ट द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड ड्यूरिंग द पीरियड वन स्टॉक मार्केट इज राइजिंग मोर पीपल इन्वेस्ट इन इन इक्विटी हाउ एवर डिप्रेस कैपिटल मार्केट में मेक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स डिफिकल्ट फॉर एनी कंपनी अगर कैपिटल मार्केट डिप्रेस है तो इशू करना शेयर्स बहुत डिफिकल्ट होगा कंपनी के लिए क्योंकि पैसे रेज कर ही नहीं पाएंगे उस पैसे कोई खरीदेगा ही नहीं शेयर्स और अगर वहीं पर मार्केट राइजिंग पे है तो उस टाइम पे इक्विटी में इन्वेस्ट करवा सकते तो यहाँ पे हमारे सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन कंप्लीट होते हैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराऊँ तो कॉस्ट में ये बोलते हैं जितना हाई कॉस्ट होगा उतना ही लेस प्रेफरेबल पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा रिस्क जिसमें जितना ज़्यादा होगा लोग उतना ही उससे दूर भगेंगे मतलब उस ऑप्शन से दूर भगेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट जितनी हाई होगी किसी भी सोर्स की उतना ही लोग उससे दूर रहना पसंद करेंगे कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी है कंपनी की तो डेट लिया जा सकता है कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी नहीं है कंपनी की तो बेटर है तुम इक्विटी के थ्रू पैसे इशू कर लो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर ज्यादा है कंपनी की ऑलरेडी तो डेट प्रेफर नहीं किया जाता है और अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है कंपनी की तो हम डेट ले सकते हैं कंट्रोल अगर आपको डायल्यूट नहीं करना है तो इक्विटी इशू मत करो कंट्रोल डाइल्यूट कर सकते हो तो इक्विटी इश्यू कर दो कैपिटल मार्केट की स्थिति अगर अच्छी है तो इक्विटी इशू कर लो अगर अच्छी नहीं है तो डेट ले लो इक्विटी के टू वच मत जाओ एंड दैट्स इट पे हमारे सारे फैक्टर्स कंप्लीट होते हैं अलोंग विद रिविजन आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ट्वेल्थ क्लास के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है नोट्स पेड रहने वाले हैं पहले से बता दूं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो